जिंदा होगा 4 लाख साल पुराना वायरस, फिर आएगी मॉस्को भारी तबाही के बाद। अब दुनिया एक भयानक महामारी के असर से बाहर आ रही है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों को डर सता रहा है कि रूसी वैज्ञानिक एक महामारी का जोखिम उठा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वे उस वायरस को दोबारा जिंदा कर रहे हैं जिसने धरती में मैथम का सफाया किया था। खबरों की माने तो सोवाइरिया शहर में एक नोवोविस्क में एक पुरानी जैव हथियार बनाने वाली लैब शोधकर्ता उन संक्रमणों को दोबारा जगाना चाहते हैं जो पिछले 4 लाख साल पुराने निष्कर हैं। द सन की खबर के अनुसार बायोमेटनोलॉजी के वैरेक्टर रिसर्च ऑफ रिसर्च सेंटर की सेंटर में जोखिम भारी रिसर्च का उद्देश्य यह समझना है कि वायरस कैसे विकसित होते हैं। रूसी टीम हिम आइस एज के जानवर मैथन और बालों वाले गेंडों को अवशेष की जांच कर रहे हैं जो भूमि पर घूमते थे। इस रिसर्च में वैज्ञानिकों की चिंता को बढ़ाया जा रहा है कि क्योंकि निष्कर वायरस साथ मरे हुए जानवरों का अध्ययन कर बेहद खतरनाक साबित हो रहा है।